नमस्कार, फूडलवर मम में आपका स्वागत है। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत सारे शुभकामनाएं। आज हम शेयर करेंगे एक स्वीट डिश की रेसिपी जो ठंड में बहुत ही पॉपुलर है। ये है गाजर का हलवा। हम गाजर का हलवा बिना मावा का बनाएंगे, मावा यानी कि खोआ। तो इसीलिए हम हाफ लीटर में फुल क्रीम मिल्क को पैन में सड़ा दी हूँ धीमी आंच में। उसको हम गाढ़ा करेंगे। फिर एक दो बड़ी गाजर कैरेट ली हूँ और उसको छिल के धो के अच्छे से हम ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। अभी ये देखिए, ये दूध बॉईल हो रहा है तो इसका फ्लेम बहुत ही कम रख के हम धीमी आंच में इसको गाढ़ा होने देंगे। अभी ये देखिए रेड कलर का कैरेट कितना अच्छा लग रहा है। विंटर का जो ये कैरेट मिलता है थोड़ा रेड कलर का और वाटरी, ये बहुत मीठा भी होता है और इससे हलवा बहुत टेस्टी बनता है। अभी एक पैन चढ़ाया और उसमें 2 स्पून घी डाल। अभी घी में जाएगा, मैं 2 इलायची डाल रही हूँ। आप चाहे तो बाद में इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इसे हरी इलायची जो ग्रीन कलर का है उसको डाली हूँ 2, और अभी कैरेट डाल के इसको अच्छे से भुनेंगे। इसको पहले थोड़ा सा ला के जो कैरेट का जो वाटर है उसमें ही ये थोड़ा बॉईल होने लगेगा। तो हमें चलाते रहना है। और अभी इसमें डालूंगी ये कुटी हुई ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैं बादाम, काजू और किशमिश डाली हूँ और अभी मिक्स करके एक साथ चलाएंगे। मैं पहले ही ड्राई फ्रूट्स डाल दिया क्योंकि वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको क्रंची चाहिए तो ड्राई फ्रूट्स सब होने के बाद में लास्ट में डाल सकते हैं घी में फ्राई करके, जैसे हम खीर में डालते हैं। तो अभी ये थोड़ा गाजर पानी छोड़ रहा है तो ये ऑलमोस्ट बॉईल हो ही रहा है हाफ फिल। तो साइड में हम दूध को भी चलाते रहना है क्योंकि उसको हाफ लीटर दूध लिया है, उसको मतलब लगभग 1/4 होने तक हम रिड्यूस करेंगे। तभी अभी इसमें 4 स्पून चीनी डाली हूँ। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैं कम डाली हूँ क्योंकि ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है इसीलिए। तो अभी चीनी डालने के बाद भी और ये पानी छोड़ेगा तो अभी और भूनना ज़रूरी है और इसमें ही अच्छे से बॉईल हो जाएगा। गैस का फ्लेम धीमी करके रखना है, मीडियम फ्लेम में ही रखना है, चलाते रहना है। विंटर में ये रेसिपी बहुत ही फेमस है। ये देखिए दूध थोड़ा गाढ़ा हो रहा है और थोड़ा टाइम चाहिए इसको। ऐसे अगर आप मावा या खोया यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आप स्किप कर सकते हैं। तो उसमें बॉईल होने के लिए थोड़ा दूध डाल भी सकते हैं, आपका मर्जी है, या बिना दूध का भी हो जाता है। लेकिन मैं मावा नहीं यूज़ कर रही हूँ तो ये इसलिए ये दूध को गाढ़ा करके इसको ही डालूँगी। टेस्ट बिल्कुल मावा बन जैसा ही आता है। देखिए ये भून रही हूँ, ऑलमोस्ट हो गया है। अभी दूध का रिड्यूस होने का इंतजार है, उसका 1/4 हो जाएगा। तो ये देखिए दूध थोड़ा कम्बल हो रहा है, मतलब गाढ़ा हो रहा है, इसमें दाना दाना आ गया है। तो अभी ये मिल्क भी रेडी है इसमें डालने के लिए। तभी इसमें जाएगा ये गरम मिल्क, फिर इसमें ये बॉइल होगा और हम पूरा सूख जाने तक इसको अभी स्टर करेंगे। ये अच्छे से वही
स्टर करते रहना है, मिक्स करते रहना है। अगर आपको ज़्यादा सूखा पसंद है तो पूरा सूखा दीजिए, नहीं तो गीला गीला भी रख सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट पहले देना पसंद नहीं करते हैं तो इस टाइम पे आप घी में थोड़ा ड्राई फ्रूट फ्राई करके वो डाल सकते हैं, जैसे हम खीर में ऊपर से डालते हैं, तो वो भी टेस्ट अच्छा ही आता है। ये देखिए ऑलमोस्ट तैयार हो गया। ठंड में ये गाजर का हलवा बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये ऑलमोस्ट रेडी है हलवा। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर करूंगी। अभी विंटर है और ये गाजर का हलवा नहीं बना तो क्या ही स्वीट डिश खाया। ये हो गया है, देखिए सरफेस सोड़ रहा है हलवा तो कढ़ाई का, तो ये कलर कितना अच्छा आया है, सिल्कीनेस भी है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। अभी इसको बाउल में निकाल लेंगे। हम तो इसको ब्रेकफास्ट पे पूरी के साथ खाए, अभी हम पूरी बनाएंगे। ऐसे भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, एज ए डिजर्ट खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं। मुझे पूरी के साथ हलवा पसंद है, गाजर का हो या सूजी का हो, तो इसलिए हम पूरी बनाए हैं। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट होगा, हलवा और पूरी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ऐसे हलवा तो पॉपुलर है हर जगह, गाजर का हलवा ऐसा कम ही लोग होगा जिसको मीठा पसंद है, तो गाजर का हलवा पसंद नहीं। मैं ये बिना मावा का बनाई हूँ, तो ये अभी रेडीली अवेलेबल मावा नहीं रहता है, तो इसीलिए ये एक अच्छा आइडिया है कि आप ऐसे भी बना सकते हैं। होप यू एंजॉय।